नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी के बारे में। अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादी 12 दिसंबर को आनंद पीरामल से हुई थी। आनंद महाराष्ट्र के टॉप रियल इस्टेट कंपनी के मालिक हैं। अजय पीरामल के इकलौते बेटे हैं। आनंद की उम्र 33 वर्ष और ईशा अंबानी 27 वर्ष की हैं। दोनों की उम्र में लगभग 6 साल का अंतर है। दुनिया की नज़र में ईशा और आनंद की शादी बिजनेस रिलेशन के चलते हो रही है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि यह एक अरेंज नहीं बल्कि लव मैरिज है। आनंद के पिता और माता स्वाति और अजय पीरामल मुकेश अंबानी के करीबी दोस्त हैं और बिजनेस के सिलसिले में इनको मुकेश अंबानी उनकी फैमिली से काफ़ी मिलना जुलना रहता है। यही कारण है कि ईशा और आनंद की शादी को बिजनेस फैमिली के बीच में बने रिश्ते का नाम दिया जा रहा है, लेकिन सच तो कुछ और ही है। दोस्तों बिजनेस के सिलसिले में अजय पीरामल ने अपने इकलौते बेटे आनंद का परिचय अपने दोस्त मुकेश अंबानी से कराया। मुकेश अंबानी और आनंद दिन भर बिजनेस के चलते मीटिंग में रहते हैं। इसी दौरान मुकेश आनंद को समझने का मौका मिला और एक दिन उन्हें यह एहसास हुआ कि आनंद ही उनकी बेटी का हमसफर बन सकता है। इसके बाद मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी ईशा अंबानी से भी इस बारे में बात की। ईशा को आनंद के बारे में बताया। इस पर ईशा ने उनके पिता से समय मांगा। ईशा के साथ मुकेश ने आनंद के माता पिता के सामने ये इच्छा रखी, जिसके बाद स्वाति और अजय पीरामल ने यह फैसला पूरी तरह आनंद पर छोड़ दिया और कहा बच्चे खुद ही जिम्मेदारी को भली भांति से समझते हैं। बिजनेस के सिलसिले में आनंद कई बार मुकेश अंबानी के घर आते और अंबानी ग्रुप के बिजनेस और फैमिली इवेंट में भी पीरामल परिवार का आना जाना लगा रहता था, जिस वजह से ईशा की आनंद पीरामल से मुलाकात हुई। कुछ मुलाकातों में दोनों ने बात करना शुरू किया। धीरे धीरे यह बातें भावना में बदली। 2016 में आनंद और ईशा एक दूसरे को डेट करने लगे। फैमिली फंक्शन के अलावा दोनों लंच और डिनर पर डेट पर जाने लगे, मगर दोनों स्टार किड नहीं थे इसलिए मीडिया की नज़र से बचे रहे। लंबे समय तक डेट करने के बाद आखिरकार वो समय आया जब दोनों के मन में एक दूसरे के लिए स्टार फीलिंग आई। त्रिलोक और आकाश अंबानी की इंगेजमेंट के बाद ईशा और आनंद दोनों महाबालेश्वर गए। यहां आनंद ने ईशा को शादी के लिए बेहद रोमांटिक अंदाज में प्रपोज किया। आनंद के इस प्रपोजल को ईशा तुरंत हाँ कहा और थोड़े ही समय बाद दोनों की इंगेजमेंट की खबर सामने आई। इंगेजमेंट के बाद जल्द ही दोनों की शादी की तारीख निकल आई। 8 दिसंबर को राजस्थान उदयपुर में इनकी शादी हुई और वहां फंक्शन इवेंट चला। 12 दिसंबर को उनकी शादी प्री वेडिंग फंक्शन बॉलीवुड में शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय ऐसे तमाम बड़े सितारे शामिल हुए। कई सितारों ने स्टेज परफॉर्म भी दी थी। हाल ही में शादी के बंधन में बंधे रणवीर कपूर और दीपिका प्रियंका निक ईशा अंबानी की शादी व फंक्शन में शामिल हुए और सभी ने मिलकर डांस किया। दोस्तों ये थी ईशा अंबानी की लव स्टोरी और आनंद पीरामल की। दोस्तों वीडियो देख के बताना वीडियो कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना दोस्तों हमें किस तरह की वीडियो बनानी चाहिए। आपकी राय पे भी हम वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और आगे हम अपनी वीडियो में और भी सुधार करेंगे दोस्तों।
मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।